नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो में मैं चंदन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये आरटीआई लगाई। आपको याद होगा अभी हमने एक दिन पहले ही वीडियो डाला है ईएसआईसी यूडीसी का, उसमें भी चंदन जी ने आरटीआई लगाई थी और पूछा था कि कितने फॉर्म पड़े गए हैं और मेंस के लिए क्या डेट हो सकती है। तो दोस्तों, चंदन जी ने जो आरआरबी में जो लगाई है यहाँ पर, उसमें दो सवाल पूछे गए हैं आरटीआई में। पहला सवाल तो दोस्तों ये था इनका कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कितने पड़े हैं आरआरबी मालदा से, और जो सेकंड जवाब क्वेश्चन था वो ये था इनका कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चंदन जी को धन्यवाद अर्पित करने के लिए आप लोग लाइक दबा सकते हैं। और जो आंसर मिले हैं दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट नॉट प्रोवाइडेड, कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, रिक्वेस्ट को डिस्पोज्ड ऑफ किया गया है 20 जुलाई को और डेट ऑफ एक्शन भी 20 जुलाई है। मैंने पूछा कि क्या इसके अलावा भी आपको कोई मेल पर रिप्लाई आया है, बोले नहीं, यही मेरे पास पूरी जानकारी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की कोई भी जानकारी रिवील नहीं की गई है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, एग्ज़ाम डेट से पहले एप्लीकेशन स्टेटस आ ही जाएगा, सब जानकारी मिल जाएगी, बस आप तैयारी में लगे रहें। क्योंकि दोस्तों, आरआरबी के साथ में आपका लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, और फिर आपका जूनियर असिस्टेंट। तो आपको तैयारी को इस तरीके से लेके चलना है कि कोई भी एग्ज़ाम आगे पीछे हो जाए तो आप उसे मैनेज कर पाएँ। इसके लिए आप स्पीड टेस्ट लगाते रहिए, और बहुत ही जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको स्पीड टेस्ट मिलेंगे जो कि आरआरबी, आपका जूनियर असिस्टेंट, इन सब चीज़ को देखते हुए डिज़ाइन किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि वीडियो के लिंक आपको वहाँ पर भी मिलते रहेंगे अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।